हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में करवा चौथ के त्यौहार को लेकर बाजारों में काफी रश देखने को मिला। महिलाओं ने बाजारों में जमकर खरीदारी की। कोरोना के चलते जहां महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन महिलाओं पर उसका कोई असर नजर नहीं आया। पति की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाले इस व्रत की खरीदारी में महिलाओं ने कोई भी समझौता नहीं किया और पहले की तरह ही खरीदारी की। एनकाउंटर न्यूज के रिपोर्टर सचिन बैंसल ने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि कोरोना के चलते महिलाएं खरीदारी कम करेंगी, लेकिन महिलाओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। महिलाओं ने जमकर खरीदारी की है। खरीदारी करने आई महिलाओं ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार बाजारों में महंगाई है। जो करवा पिछले साल 20-30 में मिलता था, वही इस बार 40-60 रुपए का हो गया है और साथ ही ब्यूटी पार्लर में मेहंदी के रेट भी बढ़ गए हैं। लेकिन साल में एक बार त्योहार आता है और उसके लिए इतना खर्च तो हम कर ही सकते हैं। बहुत अच्छा त्योहार चल रहा है, मतलब कोई ज्यादा इतना ना मंदा है ना ज्यादा तेजी है, सॉफ्ट बस में चल रहा है। जी, कोरोना को लेकर ऐसा था कि महिलाएं खरीदारी नहीं करेंगी, दूर ऐसा कुछ नहीं है, सब दरवाजे उनके 8 महीने बाद खुले हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। जी, मतलब जमकर खरीदारी की जा रही है, जमकर खरीदारी चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एनकाउंटर बद्दी से सचिन बैंसल की रिपोर्ट।